मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल व्लॉगर रमनी का। आज है डे 3, नहाकर हम लोग हो गए रेडी, अब जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। अब होने वाला आरती शुरू, और आरती शुरू हो चुका है। ये रहा हमारा बहुत सारा लगेज, दीदी हो रही है दीदी रेडी, ये जाने के लिए अपने ट्वाइस। भूख काफी लग चुकी थी तो अब हम लोग यहाँ पहुँचे खाने के लिए। हम लोग यहाँ से होटल से निकल चुके हैं, अब देखिए बाहर, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कब दिन है कब रात है, हमेशा दुकान खुला रहता है। अब हम लोग बढ़ रहे आगे की ओर। यहाँ से पिक अप कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा ऑटो आ चुका है। जय माता दी। अभी हम लोग जा रहे हैं पठानकोट के लिए ट्रेन लेने। ये है स्टेशन, ओ नहीं ट्रेन लेंगे। ये है पुलिस वाले अंकल, आ चुके हैं हम लोग स्टेशन। जैसे वहां से आया जय माता दी वाला रख दिया यहाँ पर, मुझे नहीं जाना हेलीकॉप्टर से, क्यों आ रहा है बार बार, डायरेक्ट पहुंचाने वाला। जम्मू तवी स्टेशन से हम लोग पठानकोट के लिए ट्रेन लिए, ट्रेन पर बैठ चुके हैं। ट्रेन पर बैठने के बाद लगा बहुत जोरों का भूख,
जम्मू कश्मीर से ही ये दो फल खरीद कर लाए थे। उसको खाए, खाने के बाद फिर भी मेरा भूख खत्म नहीं हुआ। उसके बाद फिर से कुछ पठानकोट छावनी स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां से हम लोग लेंगे टैक्सी बाघा बॉर्डर के लिए। यहां पर आप बाघा बॉर्डर के लिए आपको यहां पर टैक्सी भी मिलेगा, साथ साथ यहां पर बस भी जाता है, सरकारी बस भी आप ले सकते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर अपने लिए कैब बुक कर रहे हैं, जो कैब डायरेक्ट आपको यहां से बाघा बॉर्डर का जो पार्किंग है वहाँ पर आपको छोड़ेगा। बाघा पार्किंग है, पार्किंग पर आपको एक वॉशरूम भी मिलेगा, जहाँ पे आप, इतना बड़ा वॉशरूम है कि जहाँ पे आप ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। कैब का वेट कर रहे थे, अब कैब आ चुका है। I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Won't stop till I see what I want to see. ये चारों ओर ढाबा को सजाया गया। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, काइट काइट से यहाँ डेकोरेशन किया गया है। ढाका वो है जो फेमस है वो। अरे तो आप ऑर्डर कीजिए ना। यहाँ हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी अपने खाने का वेट कर रहे हैं। और मैंने खाने में ऑर्डर किया है पंजाब का स्पेशल सरसों का साग, मक्के की रोटी और लस्सी। और साथ में मुझे कुछ बिहारी भी खाने का मन था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया था आलू गोभी, दाल, दो रोटी, राइस, साथ में दही। और हमारा खाना आ चुका है।
धोने से पहले भी पिक्चर खींच देगी कि हो गया धोने से है। ये पंजाब का स्पेस दो मिनट लगी शाम फोटो में। हमारे यहाँ का रोटी और ये है मक्की का रोटी, ये साग, पंजाबी दही, सैलेड, आलू गोभी, नाम ही पता। ये सब छोड़िए यही खाइए। सीरियसली खाकर तो मज़ा ही आ गया। मस्त पंजाबी खाना था एकदम, जो प्रॉपर पंजाबी होता है ना वही हम लोग खाएँ। आप लोग भी कभी भी अमृतसर घूमने के लिए यदि आइए तो ढाबा में ही खाइए, मज़ा आ जाएगा खाकर। अभी जहाँ गाड़ी पार्किंग में लगा उसके बाद एक भैया मिले जो बना दी इंडिया का फ्लैग, कितना प्यारा लग रहा है। नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं फ्लैग क्यों बनवाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द।